तो इसके लिए कब विरोध किया आपके स्थानीय विधायक? हमेशा। कब सब विधानसभा में कब क्वेश्चन किए? एक विरोध है, अनुबंध जारी रहेगा। अगर ये एक महिला के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो संसद और विधायक को कुठा में हेलने नहीं देंगे। विधानसभा से बाहर जा रहा है, यह संसद और विधायक नहीं है। हमारे संसद और विधायक हम अपने लोकपुर जनता में बीच में रहेंगे। लेकिन तुमको दिल्ली रहना है, तुमको पटना रहना है, गुरखाओं में तुमको आने का अधिकार नहीं है। यथावासी जिंदाबाद, 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 गुरखावासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरखा को कुंडली बह रहा है पानी को निजात दिलाना होगा, दिलाना होगा, दिलाना होगा। गुरखा को नरक से निजात दिलाना होगा, दिलाना होगा, दिलाना होगा। गुरखा ऊपर बह रहा है नली के पानी से निजात दिलाना होगा, दिलाना होगा, दिलाना होगा। करीब करीब मैं भी कुर्था में 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से गंदा नाली का पानी रोड पर बह रहा है। हम लोग विवश हैं, परेशान हैं। न सरकार देख रही है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं, और हम लोग लाचारी बस आज जो है खेत में धान नहीं रोकते, कुर्था बाजार के सड़क पर धान रोपने के लिए आए हैं। महागठबंधन के यहाँ विधायक जीते हुए हैं, एनडीए का सांसद है, दोनों इस तरह का समस्या का यह समस्या है, इसीलिए तो हम लोग सड़क पर आए हैं ना। हमारा जो है अभी तक 6 महीना हो गया, हमारे विधायक महोदय से बहुत उम्मीद थी कि जो है नाली का पानी जो है बह रहा है उससे निजात मिलेगा। यहाँ की जनता ने हमारे विधायक जी को चुनकर भी इसीलिए भेजा कि नहीं, कुर्था की जनता को नए विधायक कहेंगे और रोड का जो है पानी जो बह रहा है नाली का उससे निजात मिलेगी। और न हमारे सांसद महोदय आज तक कुर्था के लोगों को खबर लेने तक आए जा रहे हैं। दिन ब दिन आदमी जाते हैं, दिन भर औरत गिरता है, बच्चे गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार है, बच के भी है, विपक्ष के भी है, दोनों को कान में साढ़े का तेल डाल के सोए हुए हैं। और यहाँ बात कीजिए तो कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ तो हाल वह बेंढक वाला है कि एक पक्ष वाला नीचे से बेंढक बोलते हैं, ऊपरे वाला विपक्ष वाला कि क्या समाचार बा, तो ऊपरे से बोलते हैं पक्ष वाला कि ठीक बा, ठीक बा, ठीक करने से कम से कम आपको जगदेव बाबू के बाद से हजारों साल से समस्या, कम से कम जगदेव बाबू के बाद से जो भी कुर्ता पहन के यहाँ पर आए हैं सिर्फ लूटने का कुर्ता में काम किए हैं। अब यहाँ की जनता धान रोपी है और कोरोना का महामारी के चलते यहाँ पर धान काट के जनता उठाएगा, नेता के खाने नहीं देगा, नेता को अब धान काट के खाने नहीं देगा। सावधान हो जाए जितने भी कुर्ता के नेता हैं, ग्रामीण जनता है। आजादी के बाद से कुर्था में जब से इस सृष्टि निर्माण हुआ है, जब से कुर्था में ये स्थिति है, हमारी माँ बहन हमारी बेटियाँ इस रूट से पार होती है, जिनकी पाखा में पानी में हेल करके पार होती है, हमारी बेटियाँ पढ़ने जाती है, हमारी बहन पढ़ने जाती है, इसी रूट से पढ़ने जाती हैं। आज़ादी के बाद से ही कुर्था में इस तरह की नरक है। सरकार को हमारी बहन और बेटियाँ का कोई ख्याल नहीं है, उनकी मर्यादा की कोई ख्याल नहीं है। हम लोग कुर्था के ग्रामीण जनता आज विवश होकर के सड़क पर उतरे हैं। हम अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, हम अपनी माँ बहन बेटियाँ को मर्यादा को बचाने के लिए ये आंदोलन हमको चलते रहेगा। जब तक इसका निजात नहीं होगी, जब तक आंदोलन चलते रहेगा, इसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक इसके निदान नहीं होगा तब तक हम लोग आमरण अनशन पर अगले स्टेज में हम लोग बैठे रहेंगे। हमेशा जल जमाव कुर्था के सड़क पर रहती है, हमेशा नरक बनी रहती है। बड़ा प्रोपेगेंडा देते हैं कि हम अगर हमें जिताइएगा तो कुर्था की सड़कों को नरक से मुक्ति दिलाएंगे। के बाद जितने